दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपको चूड़ा पोहा बनाकर दिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने दो प्याज चॉप कर लिए हैं, चार हरी मिर्च, एक टमाटर, एक छोटा आलू, ये देखिए 200 ग्राम चूड़ा है, और एक कटोरी बादाम है, छोटा राई है, तेज पत्ता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बादाम को तल लूँगी। तो हल्का तल लेना है। तल चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। उनको मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तेज पत्ता और राई का। अच्छा पक गया, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। हल्का ब्राउन होने तक इसको भून लूंगी। जैसे मैंने टमाटर को ऐड कर दिया है, इसमें नमक ऐड करूंगी। इसको पकने के लिए 5 से 6 मिनट तक। इसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि आलू जो कच्चापन हो पक जाए, और इसको मैं 5 मिनट ढककर पकाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। देखिए फ्रेंड, मसाला भून चुका है, अब इसमें पोहे को डाल दूंगी। तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा चौमिन मसाला डालूंगी, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी है। बादाम भी डाल दूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बादाम कांदा पोहा बनकर तैयार हो चुका है। अभी तो मटर का सीजन नहीं है, इसलिए बादाम डालकर बनाए हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you.